तलाई बरकाता हो। मैं खालिद अब्रार, आज हम लोग गुलबर्गा के आवाम से एक अपील करना चाहते हैं और गुलबर्गा के आवाम के सामने जो हमारी कम्युनिटी फॉर्म हुई है कर्नाटका इमाम एंड मौजन बोर्ड, इस ताल्लुक से हम लोग बात करना चाहते हैं। ये कमिटी रिफॉर्म करने का जो मकसद है हमारा, वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट या कर्नाटका स्टेट के अंदर जितने भी हमारे मौजन हैं, इमाम हैं, उनके जो भी मसाइल हैं वक्फ बोर्ड से लेकर हो या चाहे उनके रेमुनरेशन को जो वक्फ बोर्ड से आता है, तो उस चीज को लेकर हम लोग इन इन मुद्दों पर काम करने का एक इरादा लेके चले हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तालुक से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तमाम इमाम भी जुड़ेंगे, तमाम जो है मौजन भी जुड़ेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे हाथ से जो है हम उनके परेशानियों को, उनके प्रॉब्लमों को हल करने की कोशिश करें। इसमें बेसिकली अब हमारा जो जेन्यून जो दो जो एक मुद्दा है वो उनके रेम्यूनरेशन को लेकर है। गुलबर्गा में ही ऐसी कई मसाजिद हैं जहां पर इमाम की सैलरीज जो है ना डेढ़ साल दो साल से दी नहीं गई है, अगर आती भी है तो उस अप टू द मार्क नहीं आती। जैसे कि देख लीजिए आप, दिल्ली का एक स्लैब है जहाँ पे मौजन की जो सैलरी होती है वो नियर अबाउट 18,000 है इमाम साहब की, और मौजन साहब की जो सैलरी होती है वो 14,000 है, जिसमें हम जो कर्नाटका का जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो फॉल बैक करता है। ये हम लोग इस रेंज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसा रेंज नहीं होना चाहिए। कि हम लोगों की एक अपील है कि ऑल इंडिया वन स्लैब को आप लागू करें, जो सैलरीज है इमाम की ऑल इंडिया एक ही होनी चाहिए और मौजन की साहब की सैलरीज भी ऑल इंडिया एक ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी उनके कई मसाइल हैं, जैसे कि उनके रहने का प्रॉब्लम होता है, उनके जो है ना अपने घरेलू मामला की भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो कमिटी में डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम लोगों की उनसे अपील है कि उन मामला को लेकर अगर वो हमारे पास आए तो हम लोग इंशाल्लाह ताला उनके लिए आवाज उठाएंगे और उनके लिए वक्फ बोर्ड से या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जो भी है हम उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम हज़रात को ये पैगाम दिया जाता है कि शहर गुलबर्गा में एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसका नाम कर्नाटका इमाम व मौज़िन बोर्ड है। इस कमेटी के ज़रिए से बिलखसूस कर्नाटका में जितने भी अज़ला हैं, रियासत कर्नाटका में जितने भी मसाजिद हैं, उन मसाजिद के अइम्मा हैं, मौज़िनीन हैं, वक्फ बोर्ड से उनकी जो सैलरीज और जो तनख्वाहें, जो हदिया उन्हें आ रहा है, उसमें इजाफे के लिए एक बहुत वक्त की सख्त ज़रूरत है। तमाम लोग जानते हैं कि जो हदिया वक्फ बोर्ड की जानिब से दिया जा रहा है आइमा और मौजिनीन को, वो उनके लिए या किसी के लिए भी वो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत से मसाइल हैं जिसकी तरफ हमें बहसियत कौम आइमा और मौजिनीन के लिए तवज्जो करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ आवाज़ उठाने की बल्कि उसके लिए जद्दोजहद करके वो जितने भी आइमा और मौजिनीन की के लिए जद्दोजहद करना है या उनके जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। इन तमाम मसाइल के पेश नज़र, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस कमेटी को बनाया गया है और इंशाल्लाह इस कमेटी के काम का आगाज़ बरोज़ जुमेरात 26 सितंबर सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्फ बोर्ड गुलबर्गा ऑफिस में हम तमाम जितने भी इस कमेटी के जिम्मेदारान हैं कसीर तादाद में वहाँ पर जमा होंगे और इन इश्यूज को और जो हमारे मुतालिबात हैं आइमा और मौज़िनीन को लेकर, वो मुतालिबात इंशाअल्लाह वक्फ ऑफिसर साहब के सामने पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला तमाम जितने भी रियासत कर्नाटका के वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं उन जिम्मेदारान तक हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौसर तरीके से लीगल वे में अपनी आवाज़ और अपने मुतालिबात पहुँचाएंगे और जब तक जिस वक्त तक ये मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। तमाम आइमा और मौज़िनीन से गुजारिश है कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ हिस्सा निकाल कर बरोज़ जुमेरात 26 तारीख को सुबह 10 बजे गुलबर्गा वक्फ ऑफिस पर तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह मजीद जो आगे के हमारे लाए अमल है, जो भी हमारे आगे के काम हैं, उस पर भी इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उस दिन गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे मुतालिबात हैं उस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप अभी मेरे साथी खालिद और हमारे मौलाना ऋषि साहब की बात आप सुने हैं, मैं बस कुछ अल्फाज कह के अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं कुछ वक्त पहले हम लोग एक वजीफा पेंशन, जो हम गरीब सीनियर सिटीजन औरतों का, बुजुर्गों का वजीफा करते हैं, तो एक वजीफे का एक मसला आया था हमारे पास। जो एक बुजुर्ग खातून थे जिसके दो लड़के थे, वो लड़के उनको छोड़ के चले गए, तो वो बहुत परेशान हाल में थे, उनको बीपी का, शुगर के, ये सब बीमारियां थे। तो वो आके हमको बताया गया एक वजीफा बनाओ बोल के, तो हम लोग उसका हमारे तरफ से उनका वजीफा बनाए।
बट ऐसा हो गया कि जब उनका वजीफे के ऑर्डर कॉपी आ गई तो उसके एक दिन पहले उनका इंतकाल हो चुका था। उनका इंतकाल हो चुका, इंतकाल होने के बाद जब हम उनके घर पहुंचे तो उस दिन उनकी जियारत थी। तो जब उनके घर वालों को बताया कि ऐसा ऑर्डर कॉपी आई थी, फलाना रहने दो, अब इंतकाल हो गया, कुछ नहीं कर सकते, बोल के हम लोग वापस आए। उसके 8 ही दिन नहीं हो गए कि उनके दोनों लड़के आते हैं, आकर हम लोगों को बोलते हैं कि खैर हमारे अम्मी का तो वजीफा ये नहीं हो गया, कम से कम वो वजीफा आप हमारे को दे दो, हम वो पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम बोल के बताया। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जब माँ हयात में थी तो ये औलाद उनके साथ नहीं थी, जब माँ का इंतकाल होता है तो वो वजीफे के पैसे लेने भी ये लोग आते हैं। तो इस तरीके का मुआशरा हमारे पास चल रहा है हमारे कौम में। तो ये दीन से दूर और दीन से गाफिल होने का नतीजा है। ये कहीं ना कहीं दीन से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं, कुरान शरीफ से दूर होते जा रहे हैं। इस वजह से ये गैर जिम्मेदारा हरकतें हो रहे हैं यहाँ पर। और ये जो सिखाने वाले हैं इमाम और मौजन सिखाने वाले हैं, हमारे बच्चों को तालीम देने वाले इमाम और मौजन हैं, अच्छी और बुरी बातें भी सिखाने वाले इमाम और मौजन हैं। आज गुलबर्गा में मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में इमाम और मौजन कहीं ना कहीं परेशान है, हदिया को लेकर परेशान है, उनकी सैलरीज को लेकर परेशान है, कमिटीज के प्रेशर को लेकर परेशान है, कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा। तो ये कर्नाटका इमाम मौजन बोर्ड का मकसद ही यह है कि इमाम और मौजन साहब की जो उनकी इज्जत और उनकी आबरू है और उनके जो राइट्स है, उनके जो हुकूक है, चाहे वो कमेटी से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, उनके लिए हम लोग स्टैंड लेंगे और उनके लिए लड़ेंगे और उनको जस्टिस दिलाएंगे। तो मैं गुलबर्गे के अवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारे तंजीम के तरफ से एक पहला मूवमेंट चल रहा जहां पर वक्फ बोर्ड को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं और वहां पर हम अपने रिक्वेस्ट को दर्ज कर रहे हैं कि इमाम और मौजन साहब की जो सैलरीज के इश्यूज है, सैलरी को बढ़ाने के इश्यूज है और कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम उस दिन मेमोरेंडम में ऐड करेंगे और उस दिन मीडिया के जरिए से भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि ये चीजें जरूरी है इनको देना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि आप लोग हमारा नहीं, कम से कम इमाम और मौजन का साथ दीजिए जो हमारे और हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं और दीन के नजदीक ला सकते हैं। उनके लिए हम लोगों को स्टैंड लेना है और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो जुमेरात के दिन आने वाले थर्सडे 26 जुमेरात के दिन वक्फ बोर्ड ऑफिस को सुबह 10 बजे आप लोग जमा होइए, इंशाल्लाह हम सब मिलकर इमाम और मौजन के राइट्स के ऊपर लड़ेंगे और उनके हुकूक को हम दिलाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।